हेलो ऑसम पीपल, आपको बचपन में कोई कार्टून बहुत पसंद था जिसके रिपीट एपिसोड्स भी आप मिस नहीं करते थे, बट एक दिन आप देखते हो कि आपका फेवरेट शो टीवी पर आना ही बंद हो गया। पर क्यों? इसका रीज़न आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता दूंगा इस चैनल पर, क्योंकि आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वाई दे स्टॉप्ड नाम से, जिसमें मैं बताऊँगा इन शोज़ के बारे में जो बंद हो गए। हालांकि ये फैक्ट्स मैं कुछ फैक्ट्स वीडियोज़ में भी लूँगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, बट जिन पर अलग से वीडियो नहीं बन पाएगा वो मैं यहाँ कवर कर लूँगा। गाइज, ये इस वीडियो का पार्ट वन है। आई एम होपिंग टू गेट 100K व्यूज़ ऑन इट। इस टारगेट के बाद मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा। एंड गाइज, मैंने मेरे सेकंड चैनल A2F मूवीज़ पर किमी नो नवा मूवी फैक्ट्स अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, लिंक एंड स्क्रीन पर और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है द एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन बॉय जीनियस। 2002 में आया निकलोडियन का ये शो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि तब ऐसे 3D विजुअल्स वाला शो शायद ही कोई था, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था। साइंस और एडवेंचर से भरा ये शो इसलिए बंद हुआ क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी DNA प्रोडक्शंस को फाइनेंशियली काफ़ी लॉस झेलना पड़ रहा था। इस सीरीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो कंपनी द एंट बुली नाम से मूवी भी लेकर आई, बट वो भी नहीं चली। भारी लॉस की वजह से उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले तो छुट्टी दे दी, बट फिर भी बात नहीं बनी और ये एनिमेशन स्टूडियो हमेशा के लिए बंद हो गया, और इसी के साथ द एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन का भी एंड हो गया 2006 में। 2001 से 2004 तक चली ये सीरीज बीच में ही रोक दी गई थी, बट इस सीरीज का फिफ्थ सीजन 2017 में लाया गया था ताकि इस फाइनल सीजन के साथ इस सीरीज को खत्म किया जा सके। बेसिकली इस सीरीज के बंद होने का मेन रीजन था खून खराबा, ढेर सारी वायलेंस, जो कार्टून नेटवर्क के ऑडियंस के हिसाब से कुछ ज्यादा ही थी। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज इंडियन ऑडियंस को हमेशा से ही बहुत पसंद थी, चाहे मूवीज हो या कार्टून। ऐसा एक कार्टून था 2008 का द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, जो दो सीजन के साथ नवंबर 2009 में बंद हो गया था। इसका मैटर बंद हुआ पैसों की वजह से। जब डिज्नी ने मार्वल को खरीदा तो स्पाइडरमैन को लेकर डिज्नी और सोनी में इसके राइट्स को लेकर लीगल लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बलि का बकरा बनी ये सीरीज और इसे बंद करना पड़ा। ये राइट्स का मैटर हमें अब भी देखने को मिल रहा है MCU की मूवीज में। बचपन में हमें से बहुत से टीनेज निब्बाज की क्रश रह चुकी है लड़की, जिसमें से मैं भी एक था। ये डिज्नी और डिज्नी इंडिया की सबसे पॉपुलर कार्टून्स में से एक था। 2002 से 2007 तक चला ये चार सीजन का ये शो डिज्नी 3 सीजन के बाद ही बंद करना चाहती थी, बट फैंस का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देखकर उन्होंने एक सीजन तक इस शो को और एक्सटेंड कर दिया। इसके कैंसिल होने का जो रीज़न मुझे पता लगा वो ये था कि डिज्नी और इसके क्रिएटर्स इस शो को एक गुड नोट पर एंड करना चाहते थे। इसका एक रीज़न और ये भी था कि डिज्नी किसी भी शो को 65 एपिसोड्स या 3 सीजन तक प्रोड्यूस करती थी। होगी कोई इनकी प्रोडक्शन पॉलिसी, वियर्ड लग सकता है आपको, बट सीजन्स का स्लॉट तो अपने यहाँ भी था। फॉर एग्जाम्पल शक्तिमान, जिसके हर सीजन के रिन्यूअल के साथ DD वालों ने ब्रॉडकास्टिंग फीस बढ़ाई थी। बेंटेन ओरिजिनल सीरीज कितनी शानदार सीरीज थी, जिसकी तारीफ हम आज भी करते हैं। इसकी सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए बेंटेन के कई रिबूट वर्जन्स भी लॉन्च किए गए थे, जिनमें से एक था बेंटेन 2016 वाला। ऑडियंस पुरानी सीरीज से इतनी हुक्ड थी कि वो इस न्यू वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इसका एनिमेशन भी अजीब था और स्टोरी लाइन भी थोड़ी अलग थी, तो बाद में इसे बंद करना पड़ा लो TRP की वजह से। अगर हम बात करें टीन टाइटंस गो के बड़े भाई की, तो ये सक्सेसफुल शो 2003 से 2006 तक चला। विल व्हीटन के अकॉर्डिंग इसके कैंसिल होने का सबसे बड़ा रीजन था सीजन दर सीजन चेंज होती इसकी प्लॉट लाइन, जिस वजह से 4th सीजन को पुअर रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस का, और इस शो के प्रोड्यूसर्स को 6th सीजन की प्लॉट लाइन भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की प्लॉट लाइन से काफी अलग थी। मजबूरन इस शो को बंद करना पड़ा, बट फिर 2013 में टीन टाइटंस फ्रेंचाइज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई टीन टाइटंस गो के रूप में, जो अभी तक सक्सेसफुली चल रही है। ये एक सुपर क्लासिक मूव था इस शो को उस ऑडियंस के लिए बनाने के लिए जो सीरियस शोज नहीं देखती है। अगर आपने चाउडर के एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये शो कितना ऑसम था और अपने टाइम के हिसाब से कितना एडवांस शो था, और इसकी हिंदी डबिंग के तो कहने ही क्या। इसके कैंसिल होने का रीजन भी इसकी ऑडियंस ही थी। ये शो बड़ी एज के टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था, बट टारगेट ऑडियंस तो पता नहीं क्या ही देखने में बिजी थी। उस टारगेट ऑडियंस ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया इस शो को, जिस वजह से ये शो कैंसिल करना पड़ा। फिनियस एंड फर्ब की बात करें तो इस सीरीज पर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस चैनल पर, जिनमें से एक में मैंने डिटेल में इसके बंद होने का रीजन भी बताया था। एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। यहां शॉर्ट में बताऊं तो ये शो एक हिट सीरीज थी और इसके क्रिएटर्स इसे बिना मतलब खींचकर बोरिंग और बेकार नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग इसे एक हिट सीरीज के रूप में याद रखें।
स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड शो की बात करें तो स्कूबी डू वेयर आर यू का रिबूट वर्जन था ये शो, बट ये शो ओरिजिनल शो की सक्सेस को दोहरा नहीं पाया। इस शो के दो सीजन थे और थर्ड सीजन के प्लॉट आइडियाज और स्क्रिप्ट इसके क्रिएटर्स तैयार करके बैठे थे, बट कार्टून नेटवर्क वालों ने इसके थर्ड सीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसे कैंसिल कर दिया। रीजंस बेस्ट नोन टू देम। वैसे तो अमेरिकन ड्रैगन जेक लॉन्ग पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट मैंने इसे यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके वीडियो को मेरे चैनल पर खास व्यूज नहीं मिले थे, तो बहुत से लोगों को इसके बंद होने का रीजन भी नहीं पता होगा। इस शो के फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन की स्टोरी में जेक के कैरेक्टर की एज और मेच्योरिटी लेवल दोनों को इंक्रीज किया गया था, जिस वजह से इस शो के टारगेटेड ऑडियंस जो रिलेटिवली इतनी मेच्योर नहीं थी वो इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाई एंड दे लॉस्ट इंटरेस्ट, इसलिए इस सुपर हिट सीरीज को बंद करना पड़ा। इसके बंद होने का रीजन और डिटेल में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, देखना जरूर, एंड स्क्रीन पर इसका लिंक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट योर फेवरेट शो फ्रॉम द लिस्ट, सब्सक्राइब टू ऑल ऑसम फैक्ट्स, चेक आउट माय सेकंड चैनल A to F मूवीज एंड स्टे ऑसम।